दोस्तों, अगर आप भी मुंबई आ रहे हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई रहने के लिए अच्छी साफ सुथरी सस्ती जगह जहाँ पे आपको एसी वाला रूम भी मिले, तो आओ मैं आपको जो दिखाता हूँ आप कहाँ जो है रुक सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पे, जिसको CSTM भी जो है कहा जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ते हैं तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ हम जा रहे हैं सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन वाली साइड, ट्रेन की बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे स्टेशन के अंदर जो डॉर्मेंट्री है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के रुकने वगैरह के लिए। तो मैं आपको देता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस डॉर्मेंट्री को लेकर के। दोस्तों, डॉर्मेंट्री को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना। सामने प्रवेश करके लिखा हुआ है, यहाँ से आपको जो है एंट्री करनी है और जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ वैसे वॉक करते हुए इस मेन हॉल के अंदर आ जाना है, ठीक है। बगल में टिकट काउंटर्स हैं करंट वाले और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक लिफ्ट दिखाई देगी एंड ऊपर भी लिखा हुआ है AC डॉर्मेंट्री। आपको इस लिफ्ट को के ऊपर जाना है एंड फर्दर जा करके बेसिक सा काम लिफ्ट को बुला लेना है, ठीक है। तो 2 मिनट के रुकते हैं, हमारी लिफ्ट अभी जो है आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3rd फ्लोर के ऊपर जाना है, ऊपर 3rd फ्लोर लिखा हुआ भी है, बट समटाइम्स क्या होता है हम डिटेल को कम्प्लीटली देख नहीं पाते हैं। सीढ़ी से जाने की गलती मत करना, बहुत सारा पड़ जाएगा और काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे, तो प्लीज़ सीढ़ी वगैरह सब कुछ जो है आप अवॉइड करना, ठीक है। आपको यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप कोई टैक्सी वगैरह से आ रहे हो तो उनको बोलना है कि मुझे मेल सुपरफास्ट वाली जो साइड है ना वहाँ पर छोड़ दीजिए और वहाँ से मुझे जाना है, तो वहाँ से रास्ता आपको जो है काफ़ी पास पड़ेगा। चलिए लिफ्ट को ओपन करते हैं। थोड़ी पुराने ज़माने की सी लिफ्ट है बट यहाँ आपको सीधा 3rd फ्लोर प्रेस करना है और हम जो है ऊपर चलते हैं। एक्चुअली बीच का कोई फ्लोर पे मत उतर जाना, वहाँ आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बीच के फ्लोर पे कुछ और चीज़ें हैं, डॉर्मेंट्रीज नहीं है, अलग अलग ऑफिसेज भी हो सकते हैं, तो उसका जो है थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो हम जो है दो 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, लिफ्ट को ओपन करते हैं, सामने आपको जो है डॉर्मेंट्रीज दिख जाएगी। इन लिफ्ट को प्लीज़ दोस्तों इनका डोर क्लोज कर देना क्योंकि आपके उतरने के बाद अगर आपने ओपन छोड़ दिया तो अगले बंदे को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से आपको जो है थोड़ा सा वॉक करना है एंड वॉक करके आपको जो है यहाँ से मतलब सेम एक वे ही है वॉक करने का, कहीं इधर उधर मुड़ने वाली बात नहीं है। एंड जैसे ही आप इस कांच के गेट को खोलेंगे सामने डॉर्मेंट्री है, यहाँ ऑफिस है, यहाँ अपनी स्लिप वगैरह दिखाइए और अंदर जाइए। मेरा काम ऑलरेडी हो रखा है तो मैं सीधा अंदर चलता हूँ और अंदर आते ही आपको जो है एकदम काफ़ी अच्छा साफ सुथरा जो है डॉर्मेंट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी क्या है, रात का थोड़ा टाइम हो रहा है तो लोग अंदर सो रहे हैं, अंदर थोड़ा आपको अंधेरा देखने को मिलेगा, बट स्टिल मैं आपको जो है चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इसका वॉशरूम वगैरह भी जो है दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह के बंक बेड वगैरह जो है पड़े हुए हैं जहाँ पे कोई एक बंक बेड आपको जो है अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लोअर वाला चाहिए तो कोशिश करिएगा आप एक ऑड नंबर चुनें, जैसे कि 101, 103, 105, 107, ऐसे ऑड नंबर चुनिए। ऑड नंबर वाले जो है लोअर हैं एंड ईवन नंबर वाले ऊपर के हैं। ये जो है अंदर का यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम है दोस्तों, और बहुत बड़ा वॉशरूम है। लिटरली तुम ना खो से जाओगे इस वॉशरूम के अंदर, इतना बड़ा टाइप का ये वॉशरूम सा है, ठीक है। यहाँ आपको हर टाइप की जो है सुविधा मिल जाएगी नहाने धोने के लिए, गर्म पानी वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और आप देखो मैं थोड़ा वॉक भी कर रहा हूँ वॉशरूम के अंदर, 2 मिनट के लिए ख़त्म सा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि 2 वॉशरूम आपस में जो है कनेक्टेड हैं। तो यहाँ आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ऑक्यूपाइड है, खाली नहीं है, इतना सारा इन्होंने अच्छा स्पेस बना रखा है, आपको दिक्कत तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली। ये जो है दोस्तों हमारा बेड है, बेड वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक लाइट मिल जाएगी, एक चद्दर तकिया आपको जो है वहीं मिल जाएगा, बगल में चार्जिंग वगैरह का स्लॉट काफ़ी अच्छे से है। एंड सामने ये जो दिख रहे हैं ना ये लॉकर हैं, इसके अंदर ताला आपको अपना लगाना पड़ेगा जहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। तो इसमें छोटा बैग ही आपका जो आएगा, मेरा लगेज आप पीछे वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मैंने रख रखा है। तो ये आपका जो है रात के लिए बेड बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है डॉर्मेंट्री वगैरह मैं आपको जो है सारी दिखाई थी, ठीक है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये CST स्टेशन का व्यू है इस डॉर्मेंट्री से। एंड दोस्तों यहाँ अगर आप स्टे करते हो तो आपको जो चार्जेस पड़ेंगे ना वो पड़ेंगे 500 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स एंड 950 फॉर 24 आवर्स, अगर आप 24 घंटे वाला लेते हो। यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको डॉर्मेंट्री ही मिलेगी। एंड आपको पता है रेलवे इसी मुंबई CST स्टेशन पे ना एक पॉड होटल भी है जिसको शिवाय नहीं नमः पॉड्स बोलते हैं। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर आप रूम लेते हो, उनका एक तो रूम छोटा होता है बट थोड़ा कंफर्ट कह लो या क्लीननेस करो, वो डॉर्म से आपको ज़्यादा मिलेगी, वो आपको पड़ेगा 1200 रुपये फॉर 24 आवर्स। और पॉड अगर लोगे आप वहाँ पर जो कि 500 रुपये फॉर 12 आवर्स एंड 700 रुपये फॉर 12 आवर्स। एंड रूम के जो प्राइस मैंने आपको बताया था वो गलत बताए, वो थे 1200 रुपये फॉर 12 आवर्स।
तो वहाँ पड़ जाएगा आपको 2400 रुपये का रूम, जो कि अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइनी होता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स बहुत छोटा जो है होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में, एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टाइप के और कंटेंट को देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।